वायरसेस को हम पढ़े थे, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एचआईवी को। एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका जिक्र हम पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके हैं, वायरस। और इस वायरस से जो डिजीज कॉज होती है उसे हम कहते हैं एड्स, एंड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एड्स की जो बीमारी है इसे हम न्यूली डिस्कवर्ड डिजीज के अंदर ही काउंट करते हैं, बिकॉज इसको कोई बहुत ज़्यादा पुराना, कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ डिस्कवर हुए हुए। 1980s में इसके ऊपर काम शुरू हुआ फॉर्मली, और अभी तक इसके ऊपर जो है मजीद काम जारी है। एड्स को आज हम डिटेल में देखेंगे, और स्पेशली हम लाइफ साइकिल देखेंगे एचआईवी वायरस का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का, और हम ये देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स के जो सेल हैं ये उनको इन्फेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फॉर्मल लेक्चर से। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एचआईवी वायरस जो है वो करता क्या है। एचआईवी इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल को, और उसके रिजल्ट में एड्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साइकिल किस तरह से कैरी ऑन होता है इसको आज के लेक्चर में हम देखेंगे। जो की सेल्स हैं जो कि एचआईवी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के नाम से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो है ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, या फिर ये वो सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो है वो मुदाफियाती निज़ाम है हमारे बॉडी के अंदर, कि जब भी कोई डिजीज़ हो जाती है, जब भी कोई वायरस या कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर एक लड़ने की ताकत होती है, इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम जो हमारे बॉडी का नेचुरल दिफाई निज़ाम है। तो टी लिम्फोसाइट सेल जो है वो इसके लिए काम करते हैं, और एड्स का जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी, ये इन्फेक्ट करता है हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स को और इनको नकारा बना देता है। इन सेल्स को नकारा बनाने का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उसके बाद कोई भी मामूली सी भी बीमारी अगर इंसान को हो जाए तो इंसान खुद उससे ठीक नहीं हो सकता, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम बॉडी के अंदर किसी भी कोई छोटी सी भी बीमारी अगर हो जाए तो उसके जरासीम फैल जाते हैं और इंसान की मौत वाकई हो जाती है। जैसा कि हमने होस्ट स्पेसिफिक होने की बात की थी, तो जो एचआईवी वायरस है ये भी होस्ट स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही एक्ट करता है। अगर हम ये वायरस किसी और इंडिविजुअल में, किसी और ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल मंकीज में डाल दें, या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन बींग से मिलते जुलते हों, तो ये वायरस उनके ऊपर काम नहीं करेगा या उनके ऊपर एक्टिवेट नहीं होगा। लाइफ साइकिल अगर हम देखें इस वायरस का, तो जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर बात की थी, सबसे पहला स्टेप जो होता है वायरस का वो होता है लिंकिंग का, लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब ये है कि वायरस जो है वो बॉडी के साथ, जो सेल की पूरी बॉडी है उसके साथ अपने आप को लिंक करता है, अटैच हो जाता है, उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कैरी ऑन करता है। हम ऐसे करते हैं कि हम इस पूरे के पूरे स्टेप को, ये जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर उनको वन बाय वन स्टडी करते जाते हैं। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट स्टेप है एचआईवी वायरस का अटैक करने का, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट। वो फेज है जिसके अंदर एचआईवी वायरस एक सेल के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, और अटैच होने के अंदर होता यह है कि जैसे कि हमने बात की थी एचआईवी के स्ट्रक्चर को, जब हमने देखा था, एक मरतबा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं एचआईवी के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है ये एचआईवी वायरस है। आपके याद रखने की यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक
बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये सेल का कैप्सिड है। इसके अलावा आप दरमियान में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ये आरएनए है। और इसके अलावा सेल के दरमियान में आप देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो गोल गोल आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि एक एंजाइम है। इसके अलावा सेल के आउटर बाउंड्री पे आपको स्पाइक्स नजर आ सकती हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्पाइक्स हैं, यही यूज होंगे सेल के अटैचमेंट के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज, ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है जो कि है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जैसे कि नाम से जाहिर है, पेनिट्रेशन के अंदर ये होगा कि जो एचआईवी वायरस है वो एक ह्यूमन बीइंग के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। जहाँ पे इस पार्ट के अंदर आपको ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से एचआईवी वायरस एक्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एक वायरस था ये वायरस यहाँ पे आके अटैच हुआ, और अब इस वायरस का जो कॉन्टेंट है इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें थी वो सब की सब अब इस सेल के अंदर एंटर हो जा रही है। इस स्टेप के अंदर बेसिकली होता ये है कि वायरस जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है और उसकी अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो कोट लगी हुई है, जैसे कि हमने कैप्सिड की बात की है, या इसके अलावा इसके ऊपर जो एनवेलप था वो पूरा का पूरा उतर जाता है और सेल के अंदर के जो कॉन्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आरएनए था या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, वो पूरा का पूरा सेल के अंदर यूं ही फैल गया है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो स्टेप है जिसके अंदर वायरस के आरएनए से एक डीएनए बनेगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास वायरस के अंदर, हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि वायरस के अंदर आरएनए है, लेकिन जब ये सेल के होस्ट के सेल के अंदर आ जाता है तो क्या होता है कि जो आरएनए है, ये जो लाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, आप समझ लें कि ये आरएनए है जो कि वायरस का है, और ये जो वायरस का आरएनए है इससे हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है नेक्स्ट स्टेप में जाके ये डबल हेलिक्स मॉडल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे हमारे पास बना क्या, हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रेक डाउन स्टेप जो है इसको आप कंबाइन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ जो के है रेप्लिकेशन का स्टेप। ब्रेक डाउन एंड रेप्लिकेशन इसको हम कह देते हैं। ब्रेक डाउन रेप्लिकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वायरस है उसके आरएनए से हमारे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्रिएट होगा और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। तो ये तो हो गया रेप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेशन का। इसको पहले हम मेंशन कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो स्टेप है इसके अंदर ये होगा कि जो वायरस का जो डीएनए है वो एंटर हो जाएगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वायरल डीएनए है वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो रहा है, और एंटर होने के बाद ये क्या करता है कि ये कंबाइन कर लेता है, ये देखें आप इंटीग्रेशन यहाँ देख भी सकते हैं, ये कंबाइन कर लेता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ। होस्ट सेल के डीएनए के साथ कंबाइन होने से होता क्या है, होता यह है कि जब ये कंबाइन हो जाता है तो जब जब ये सेल या ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा उसके साथ वायरस का जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करता जाएगा, यानी डिवाइड होता जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं जो कि है, जिसे हम प्रो वायरस का नाम देते हैं। प्रो वायरस क्या है? प्रो वायरस वो डीएनए का पार्ट है जो कि अब कंबाइंड है, जिसे हम कहते हैं कि जो एक डीएनए वायरस का प्लस होस्ट सेल का डीएनए है, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है और उसे हम कहते हैं प्रो वायरस। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप में क्या होता है फिगर से हम आपको बताते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेप है इसके अंदर ये होगा कि ये जो हमारे पास एक प्रो वायरस क्रिएट हुआ था उसके बाद
हमारे पास डिफरेंट मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे। मैसेंजर, ये जो आरएनए आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि सेल से बाहर निकल रहे हैं, ये जो स्ट्रैंड क्रिएट हुआ है ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन क्रिएशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हुई जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो क्रिएट हुआ, और उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इस न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर आ गया, और इसने करना क्या है, इसने करना ये है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस जो है वो आप इसको ट्रांसक्रिप्शन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि एक आरएनए क्रिएट होता है, इसे हम कहते हैं जीनोमिक आरएनए जो है वो स्टेप के अंदर क्रिएट होता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आप इसको देखें एक दफ़ा, यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमारे पास बायोसिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन हुई। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन क्रिएट हो रहे हैं, और जब ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो वायरस का डीएनए भी साथ साथ रेप्लिकेट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक नया वायरस बनना है तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए वो हमारे पास बन चुके हैं। हमारे पास वायरल प्रोटीन भी है और हमारे पास वायरल डीएनए भी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं मैच्योरेशन। इसको हम पहले मेंशन कर देते हैं। ये जो मैच्योरेशन का फेज है इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे बने थे वो सब के सब आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे जिसे रिकंस्ट्रक्शन के नाम से लिखा हुआ है। उसमें ये है कि हमारे पास ये आरएनए है ये, और ये हमारे पास जो प्रोटीन है ये दोनों कंबाइन होंगे और रिकंस्ट्रक्ट होगा एक पूरा का पूरा नया वायरस। इस वायरस को बनने के लिए क्या चाहिए थे, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायरस की क्या फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, या फिर हमने आरएनए की बात की थी, उसके बाद उसके बाहर एक कैप्सिड लेयर थी, उसके बाद एक एनवेलप था और स्पाइक्स थी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें दोबारा से यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, और इस पूरे फेज को हम कहते हैं ये है मैच्योरेशन फेज। जब ये मैच्योरेशन फेज कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं रिलीज फेज में क्या होगा कि जो भी पूरा का पूरा वायरस हमने कहा था कि इकट्ठा उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये पूरा वायरस जो है वो सेल से बाहर निकल आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो वायरस है वो यहाँ से सेल से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे एक पूरा ये अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नए वायरस जो है वो इससे क्रिएट होते जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं रिलीज फेज। इसमें एक बर्ड की फॉर्म में ये इसके अंदर से अलग होता जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ ये है कि हमारे पास एक वायरस था, उसने एक सेल को इन्फेक्ट किया, उसके अंदर आया, अपने डीएनए को रेप्लिकेट कराया, नए प्रोटीन बनाया और अपने सेल के नए कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाए, उन सबको इकट्ठा किया और उस सेल को छोड़ के चला गया। अब इस सेल की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, ये सेल अब काम करने के काबिल नहीं रहा, और इसके रिजल्ट में हुआ क्या कि हमारे पास ढेर सारे वायरल सेल्स क्रिएट हो गए, और अब ये जो वायरस है, नए वायरस जो क्रिएट हुए हैं ये मजीद और सेल्स को इन्फेक्ट कर देंगे। इस सब को समझने के लिए मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी, अगर ये एक एनिमेशन है बेसिकली, इसके थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली एक 3D एनिमेशन है जो आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट पिक्चर डिस्क्राइब करेगी। इसको साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या प्रोसेस होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 3D मॉडल आपको दिखाया गया है एक HIV वायरस का। ये हमारे पास पूरा का पूरा वायरस है, उसके ऊपर स्पाइक्स को आप क्लियरली देख सकते हैं। ये HIV वायरस जो है वो ह्यूमन टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर आके अटैच हो गया। ये हमारे पास होस्ट सेल है जो कि है टी लिम्फोसाइट सेल। अब ये यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, अटैचमेंट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके जो स्पाइक्स हैं वो टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाके अटैच हो गए।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, जिसे हमने कहा था अटैचमेंट और पेनिट्रेशन, वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे HIV वायरस जो है वो फ्यूज कर रहे हैं हमारे टी लिम्फोसाइट सेल के साथ, और इसके साथ अटैच होने के बाद ये पेनिट्रेट करता जा रहा है, यानी कि सेल के तमाम कंटेंट जो है वो हमारे होस्ट सेल के अंदर एंटर हो गए हैं, और वो उसकी जो वॉल है वो डिजॉल्व हो गई। यहाँ पे आप पार्टिकल्स को साइटोप्लाज्म के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम था, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसने वायरल RNA को ट्रांसक्राइब करना था और उससे एक DNA क्रिएट करना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक DNA बन गया। अब इस DNA ने क्या करना है कि इस DNA ने हमारे होस्ट सेल की न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाना है, और उसके बाद रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमन DNA है, ह्यूमन DNA के साथ जो वायरल DNA है वो आपस में वो आके कंबाइन कर लेगा। ये स्टेप आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी नए मैसेंजर RNA के क्रिएट होने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैसेंजर RNA का एक स्ट्रैंड जो है वो बन चुका है। अब क्या होगा कि अब तमाम के तमाम सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सब इकट्ठे होंगे, और एक जो पूरा का पूरा वायरस बना था वो सेल को वो बन के सेल से बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब जैसे हमने कहा था कि बर्ड फॉर्मेशन में ये सेल को छोड़ देगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा वायरल सेल क्रिएट हुआ और उसके अंदर की जो चीज़ें थी, ये जो फेज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच्योरेशन फेज को दिखाया गया है कि किस तरह से तमाम के तमाम नए वायरस की चीज़ें बन के बाहर निकल गए। ये फेज़, इस स्टेप को बहुत गौर से देखना होगा। इस स्टेप के अंदर बेसिकली आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से एक सेल को इन्फेक्ट करने के बाद डिफरेंट वायरसेस, जो नए वायरस क्रिएट हुए हैं, वो सेल को छोड़ जाते हैं, सेल के अंदर से निकल जाते हैं और वो मज़ीद और सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नए नए वायरसेस बर्ड्स की फॉर्म में सेल के अंदर क्रिएट होते हैं और वो छोड़ते हैं। यहाँ पर जो ब्राउन कलर से आपको वायरसेस शो हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, लाइफ साइकिल था, जिसे हमने आपको दिखाया। यकीनन इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और एक बिगर पिक्चर पे आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एक लाइफ साइकिल HIV वायरस का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फेज के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है सिम्टम्स ऑफ एड्स। सिम्टम्स ऑफ एड्स, अगर किसी को एड्स है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, या किस तरह से पता चलेगा कि एड्स की जो डिजीज है या एड्स की जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। एड्स का जो एड्स HIV के जो इन्फेक्शन है बेसिकली, उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, थ्री स्टेजेस, और उन तीन स्टेजेस में एक हमारे पास आता है एसिम्प्टोमेटिक करियर, एसिम्प्टोमेटिक करियर। सेकेंड वन इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम ARC के नाम से भी जानते हैं, और जो थर्ड है इसे हम कहते हैं फुल ब्लॉन एड्स। जो फर्स्ट वाला है जिसे हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक करियर, इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, इनिशियली जो सिम्टम्स नज़र आते हैं उसके अंदर फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, फीवर, बुखार और ठंड लग सकती है, और एचेस, बॉडी के अंदर पेन हो सकता है। इसके अलावा स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड जो है वो सूज सकते हैं, लिम्फ तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर शो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये सिम्टम्स शो होंगे। इस स्टेज के ऊपर इंडिविजुअल टोटली हेल्दी होता है, उसके अंदर कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, मींस के ये फीवर, चिल्स, एचेस, इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप HIV ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो एंटीबॉडीज शो हो जाएंगी या पॉजिटिव शो हो जाएंगी, तभी पता चलेगा कि एड्स बॉडी के अंदर, HIV वायरस जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की जहाँ बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी अलामत हैं जो शो हो सकती हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इसे हम ARC भी कहते हैं, रिलेटेड कॉम्प्लेक्स।
ARC. इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ अलामत शो हो जाएं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई ग्लैंड्स या गिल्टी नुमा कोई चीज़ जो है वो आपके नेक रीजन पे, नेक या आर्म पेट इस तरह से, या बॉडी के मजीद और कुछ पार्ट्स में आपके कुछ गिल्टी नुमा कोई चीज़ जो है वो शो हो जाए। और इसके अलावा कुछ और अलामत जैसे कि आपको रात में पसीना आना, या खांसी होना, या परसिस्टेंटली आपको फ्लू है, या डायरिया है, तो इस किस्म की अलामत अगर आप में ज़ाहिर हो रही है। लॉस ऑफ मेमोरी हम कह सकते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म सिम्टम्स के अंदर ये भी चीज़ें आ सकती हैं, लॉस ऑफ मेमोरी है या डिप्रेशन है, तो ये तमाम एड्स की अलामत हो सकती हैं। जो थर्ड हमारी स्टेज है जिसे हम कह रहे हैं कि फुल ब्लोन एड्स, फुल ब्लोन एड्स, ये एड्स की फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज आप कह सकते हैं कि जब एड्स का वायरस बॉडी को पूरी तरह से या बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर चुका होता है, तो ये स्टेज आ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप का सवेयर वेट लॉस होता है, बॉडी के अंदर जो आपका जो वज़न है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आप महसूस करेंगे, वीकनेस है बहुत ज़्यादा होगी। और इसकी वजह क्या है, जैसे कि हमने बात की, या इसके अलावा कुछ और अलामत जैसे आप कह सकते हैं कि परसिस्टेंट आपको डिफरेंट तरह के, या फ्लू हो रहा है, या बार बार डायरिया है, या डिप्रेशन है, इस तरह की अलामत जो है वो आपको आपके अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि वायरस जो है उसने टोटली आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट कर दिया। जब इम्यून सिस्टम अफेक्टेड है तो इसका मतलब है कि आपके तमाम, अगर कोई भी बीमारी बॉडी के अंदर एंटर, कोई बीमारी के जरासीम बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम टोटली ख़त्म हो चुका है, वीक हो चुका है, और जो वायरस है या कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी एंटी, कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो बॉडी के अंदर आ चुका है, तो उसको खुली आज़ादी है, वो कुछ भी करना चाहे वो ईजिली कर सकता है। इस स्टेज के बाद होता क्या है, स्टेज के बाद होता ये है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रहा, तो अगर कोई भी बीमारी आ सकती है, जैसे हमने कहा था कि कोई छोटी सी भी बीमारी आ जाए, तो वो बीमारियाँ बेसिकली हो क्या सकती हैं, उन बीमारी में हमारे पास कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, या फिर हमारे पास आई डिजीज़ हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, या हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज जो कि हमारे इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उस बीमारी से वापस आना या ठीक हो जाना इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता। इन्हीं तमाम बीमारियों से इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ है वो होती है हमारे पास कैंसर, या फिर हम इसको लेजन भी कहते हैं, और स्किन कैंसर बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आता है, और उसके वजह से हमारी जो मौत भी वाकया हो। तो ये हमने देख ली एड्स की 3 स्टेजेस। ओके, तो आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा एड्स वायरस का, कि एड्स वायरस जो है वो ह्यूमन सेल के ऊपर किस तरह से इन्फेक्ट करता है, और उसके पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को हमने देखा, एक्टिविटीज़ देखी जो कि पूरे के पूरे इस लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं, हमने उनको डिवाइड कर दिया डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। इसके अंदर हमने देखा अटैचमेंट को, पेनिट्रेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, ब्रेक डाउन और रेप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, प्रो वायरस ट्रांसक्रिप्शन, देन प्रोटीन फॉर्मेशन, उसके बाद बायोसिंथेसिस, और फिर मैचुरेशन, और फिर उसके बाद रिलीज है। उसके बाद हमने कुछ सिम्टम्स देख लिए कि एड्स के जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एड्स की जो स्टेजेस हैं हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस किया, और फिर हमने देखा कि वो जो 3 स्टेजेस हैं उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो शो हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। तो ये तो आज का लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और वायरल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, उनके पॉजिटिव एजेंट्स और उनके ट्रीटमेंट को देखेंगे।